1162 जो कि अभी 0162 नंबर के साथ चल रही है, दरभंगा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जो कि बिहार के दरभंगा को महाराष्ट्र के मुंबई से कनेक्ट करती है। और आज इसी में हम जर्नी करने वाले हैं जबलपुर से लेके इटारसी जंक्शन के बीच। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। तो आज हम इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं जबलपुर से इटारसी के बीच सेकेंड AC में। जिस ट्रेन को मैं दरभंगा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस बोल रहा था, तो मुझे अभी पता चला जब अनाउंसमेंट हुई इसकी कि ये पवन एक्सप्रेस है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ हो जाती है भाई, ये स्पेशल ट्रेन। और मतलब कंफ्यूजन इतनी थी कि मतलब पता ही नहीं चला कि इसका नाम पवन एक्सप्रेस है। मैं तो समझ रहा था कि दरभंगा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के नाम से चलती है। खैर, ट्रेन आ गई है। तो ये रही अपनी सीट आज A1 में 44 लोअर बर्थ है। तो चलिए अब सामान वामान रखते हैं और आपको बता दूं, ट्रेन यहाँ पर जो है अपने समय से करीब 45 मिनट बिफोर आ गई है जबलपुर जंक्शन पर। देख लीजिए, ज़्यादा तो भीड़ है नहीं, खाली पड़ा हुआ है पूरा सेकंड AC लगभग। और अभी आगे मैंने देखा तो थर्ड AC भी लगभग खाली डला हुआ है। और इंटीरियर तो वैसे ही अपना सेकंड AC वाला। तो सीट मैंने अच्छे से सैनिटाइज कर ली है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही बताया था, सभी कर्टेंस वगैरह निकाल दिए गए हैं रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पर सेकंड AC में जबकि इतने कर्टेंस होते हैं, कोई भी कर्टेन नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेन जो है काफ़ी खाली है, AC की कोचेस भी समय से पहले आ गई है। तो चलिए एक बार जनरल कोच और दिखाते हैं क्या हालत है उसकी। और देखिए वो भी खाली डला है बिल्कुल से।
भी आ चुके हैं अभी हम अपने पहले हॉल्ट पे नरसिंहपुर। स्टेशन कोड है इसका NU और ट्रेन ना क्या भाग रही है भाई साहब। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया पिछले व्लॉग में भी कि ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी ट्रेन्स का, तो बिफोर टाइम भी ट्रेन चल रही हैं और बिल्कुल एकदम फ्रीडम के संग, जिसको कहते हैं फ्रीडम के संग ट्रेन चल रही है। मतलब 110 105 इससे नीचे नहीं चल रही है, तो तगड़ी स्पीड से चल रही है भाई। मतलब क्या एग्रेशन दिखा रही है ना, मज़ा आ जाएगा आपको देखने। वैसे तो कोरोना की वजह से सब चीज़ें इफेक्टेड हुई हैं और काफ़ी सारी ट्रेन सर्विसेज भी बंद हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी बंद हैं। कुछ स्पेशल ट्रेन ही चल रही हैं, लेकिन उनके चक्कर में जो ट्रेन चल रही हैं स्पेशल वाली, जैसे कि ये जिसमें आज हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको अच्छी प्रायोरिटी और बहुत अच्छी पंक्चुअलिटी मिल रही है। अभी ये ट्रेन इतनी मस्त स्पीड में भाग रही है, मतलब 110 105 इससे नीचे ही नहीं उतर रही है, मतलब बहुत ही एग्रेशन के साथ। मतलब नॉर्मल डे में ये चीज़ आपको सिर्फ राजधानी दुरंतो शताब्दी इन ट्रेन में दिखेगी, लेकिन इसमें भी दिख रही है आज ये। और चलिए आपको स्टेशन का और व्यू दिखा दूं, कैसा रेलवे स्टेशन है नरसिंहपुर का। अभी हम पिपरिया स्टेशन कोड PPI और नॉर्मल डे में यहाँ पर 108 ट्रेनों का स्टॉप है। और बात करें अगर भोपाल एयरपोर्ट का, तो उसका डिस्टेंस है यहाँ से करीब 126 किलोमीटर का। अब देखिए पहले अब हम बिफोर टाइम पहुँच रहे थे रेलवे स्टेशन, लेकिन इस स्टेशन पे हम 30 मिनट की देरी से पहुँचे हैं। बीच में अभी एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे जो है ट्रेन काफ़ी देर रुकी रही, इस वजह से हम यहाँ पर लेट हो गए।
शेड्यूल टाइम से करीब 15 मिनट पहले ही ये आ चुके हैं हम इटारसी जंक्शन स्टेशन कोड ईटी। और इटारसी जंक्शन पे चार लाइंस आके मिलती हैं, एक जिससे अभी हम आए हैं जबलपुर इटारसी, एक भोपाल इटारसी, तीसरी नागपुर चेन्नई और चौथी इटारसी मुंबई लाइन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कैसी लगी है ये जर्नी ये भी कमेंट में बिल्कुल बताना मत भूलना भाई, कमेंट पे ज़रूर बताना, कमेंट करना भूल जाते हो, लाइक करना भी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, और इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं आए हो आप लोग तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, ट्रेन लवर्स एच वाई इंस्टा आईडी है, वहाँ भी बातचीत अपनी होती रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।